वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट टीचर्स, माई सेल्फ कविता थारा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेके मोमेंट्स बीएड कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। टुडे माई टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस ट्रैक एंड फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टॉक 400 मीटर के होते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रमाणित धावन पथ अर्थात स्टैंडर्ड ट्रैक कितना मीटर के होना चाहिए, 400 मीटर का होना चाहिए। तो प्रमाणित धावन पथ 400 मीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, 400 मीटर के धावन पथ में दो स्ट्रेट एवं दो अर्धवृत्त होना चाहिए। तो पहला हम क्या बोले ना, 400 मीटर प्रमाणित जो धावन पथ वो 400 मीटर का होना चाहिए, और प्रमाणित धावन पथ जो 400 मीटर का, इसका दो स्टेट एवं दो अर्धवृत्त होना चाहिए, दो स्टेट लाइन एंड दो अर्धवृत्त लाइन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रमाणित धावन पथ में पथ की दूरी, प्रमाणित जो धावन पथ है उसका दूरी लगभग 80 मीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रमाणित धावन पथ में 8 गोलियों होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं 400 मीटर जो ट्रैक होते हैं इसमें 8 लेन रहते हैं, तो 400 मीटर ट्रैक में कितना गोलियों होना चाहिए, 8 गोलियों होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना, एक प्रमाणित धावन पथ में भी 9 गोलियों भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक प्रमाणित धावन पथ में, प्रमाणित जो धावन पथ होता है उसमें 8 गोलियों होता है, एक गोलियों का चौड़ाई कितना मीटर का होना चाहिए ना, 1.22 मीटर अर्थात 1.22 प्लस माइनस गोलियों का चौड़ाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है, धावन पथ एवं मैदानों पर पथ क्षेत्र के रेखाओं की चौड़ाई, जो धावन पथ होते हैं इसमें 8 लेन रहते हैं, ये लेन का चौड़ाई कितना होना चाहिए ना, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, धावन पथ के अंदर की रेखा सीमेंट लकड़ी तथा किसी भी अन्य धातु से बना होना चाहिए। जो धावन पथ का मतलब स्टैंडर्ड ट्रैक का जो लेन होता है, ये धातु, किसी भी धातु और सीमेंट एंड लकड़ी से भी बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है टेम्पोररी, जैसे हम लोग जो ट्रैक बनाते हैं वो चुना देके, तो वो कितना चुना देके भी बना सकते, बनाते हैं हम लोग, और वो गोलियों का जो चौड़ाई कितना मीटर का, कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए ना, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना, इसके अंदर की रेखा 5 सेंटीमीटर ऊंची, जो प्रमाणित धावन पथ है इसका अंदर का रेखा 5 सेंटीमीटर का ऊंची एवं 8 सेंटीमीटर का चौड़ाई होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का ऊंची एंड 8 सेंटीमीटर का चौड़ाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना, अंदर की जो रेखा प्रकट की जाती है, जो 400 मीटर ट्रैक का अंदर की जो रेखा प्रकट की जाती है उसका ऊपरी किनारा गोल होना चाहिए, उसका ऊपरी किनारा गोल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रमाणित धावन पथ के अंदर फेंकने एवं कूदने वाला क्रियाओं का भी सुविधा होना चाहिए। क्या बोले ना, प्रमाणित जो धावन पथ जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसके अंदर में जो फील्ड इवेंट रहते हैं, जैसे कि रनिंग, जैसे कि थ्रोइंग, जंपिंग इवेंट, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड जंपिंग इवेंट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल फोल्ड, ये सारे जो फील्ड इवेंट होता है इसका भी व्यवस्था करना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या हो गया ना, 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होना चाहिए, 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं इसका स्ट्रेट लाइन लगभग 80 मीटर का होना चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन और दो कर्व लाइन रहते हैं। उसके बाद क्या है ना, ये 400 मीटर जो स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं इसका, इसमें 8 लेन रहते हैं, ये लेन का चौड़ाई कितना होते हैं ना, 1.22 प्लस माइनस और 1.22 मीटर का होना चाहिए। जो लेन होता है उस 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और क्या होता है, जो इसमें स्टैंडर्ड ट्रैक में 9 गोलियों भी हो सकते हैं, और इसका वो जो स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं इसका अंदर में फील्ड इवेंट का भी व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट। उसके बाद क्या है ना, कोर्ट जो ट्रैक होते हैं 400 मीटर का, इसका जो अगर बारिश आएगा तो ये पानी निकास
करने का व्यवस्था करना चाहिए। और क्या है, नाउ टू ट्रैक एंड ट्रैक का वातावरण एंड वो क्या होना चाहिए ना, ट्रैक में से पानी की निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना, ट्रैक के पास का वातावरण, ट्रैक का जो पास में जो वातावरण क्या होना चाहिए ना, कोलाहल मुक्त होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रैक के पूर्व या पश्चिम साइड में, पश्चिम एंड पूर्व या पश्चिम में खिलवाड़ का एंड प्रतियोगिता का तैयारी होने का व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रैक में, ट्रैक के पास एक मीटर का आवागमन का मार्ग होने चाहिए, 1 मीटर का आवागमन का मार्ग होने चाहिए। और क्या, ये आदर्श ट्रैक 400 मीटर का होने चाहिए। ये सारे विशेषताओं का ध्यान देना चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।